पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं चेस में। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। लालू यादव को किडनी देने के लिए आगे आए राजद कार्यकर्ता तेजस्वी यादव और ट्रिम्स निदेशक को लिखा पत्र। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार नहीं है। लालू की किडनी फंक्शन पहले से ही खराब हुई है। अब लालू को डायलिसिस पर ले जाने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर राजद कार्यकर्ता में मायूसी छा गई है। लालू परिवार हर घंटे ट्वीट पर गिनवा रहे अपराध। तेजस्वी के बाद राबड़ी ने कहा बिहार में कोहराम, अपराधियों का तांडव, पुलिस लाचार। बिहार विधानसभा का परिणाम लालू परिवार के उम्मीदों के विपरीत आया है। हालांकि चुनाव में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर हुई, लेकिन सफलता एनडीए के हाथ लगी। इस सफलता को पाने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन पिछले सरकार से हटकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आई है वह बिहार का क्राइम है। अब यही क्राइम विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कोरोना के हालात की समीक्षा सीएम नीतीश कर रहे स्वास्थ्य विभाग का रिव्यू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा की बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ साथ विभागीय प्रधान सचिव और राज्य के मुख्य सचिव समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पति से लड़ाई के बाद पत्नी ने किया सुसाइड, फांसी लगाकर दे दी जान। बेगूसराय में परिवार कलह के वजह से एक नवविवाहिता महिला ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण इलाके में सनसनी मच गई है। घटना तेढ़ा थाना क्षेत्र के मधुरापुर गांव की है। मृतक की पहचान मधुरा निवासी मदन पासवान की पुत्री सुमन देवी के रूप में बताई गई है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। फिर मिले 535 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 24,59,033। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में डेली अपडेट जारी की जाती है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में कोरोना के 535 लोग एक्टिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 24,59,033 हो गई है। फिलहाल बिहार में 5,638 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए। कोरोना वैक्सीन देने के लिए मसौरी में टास्क फोर्स का किया गठन। सबसे पहले हेल्थ वर्कर को पड़ेगा टीका। कोरोना वैक्सीन देने के लिए तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पटना के मसौरी में भी इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो वैक्सीन की प्राथमिकता सूची बनाने में जुटी हुई है। वायरस से बचाव के लिए यह वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स एवं फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स तथा समाज के लोगों के बीच ज्यादा एक्टिव रहने वाले लोग के लिए। बिहार एवं झारखंड की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। सरकार बनाने जा रही है 124 किलोमीटर लंबी सड़क। आने वाले 2 साल में मुंगेर में मिर्जा चौकी तक बनने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस सड़क में निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई है। 124 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर लगभग 5,850 करोड़ खर्च होंगे। गंज में अपराध की योजना बनाते हुए 5 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पटना के हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। लूट की गाड़ी सहित 3 को किया गिरफ्तार। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतवा थाना की पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए हाईवे पर 4-व्हीलर गाड़ियों को लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।